नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको अपना जो है वर्टिकल फ्लावर टावर दिखाना चाहती हूँ। तो क्या आपने बालसम फ्लावर्स का वर्टिकल फ्लावर टावर, वो भी 8 इंची पोट में कभी देखा है? तो मैंने भी ये खुद पहली ही बारी इन्हें ग्रो किया है। वैसे तो आप सोचते होंगे कि फ्लावर टावर तो हमने बहुत सारे देखे हैं जहाँ बनाए हैं, इसमें कोई नई बात क्या है? पर वो नई बात तो मैं भी मानती हूँ कि कोई नहीं है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से ये बनाने हैं। तो बात ये है कि जैसे हैंगिंग प्लांट्स हम लगाते हैं, तो उसके बजाय मैंने ये बालसम के इनमें ग्रो किए हैं। तो मेरी स्क्रीन पे पूरे भी नहीं आ रहे, और ये 8 इंची पोट में जो मैंने ये टावर बनाना सिखाया था, आपको याद होगा। तो फिर मैंने उसमें ये भी कहा था कि हम इसमें बालसम के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये लगाए तो इतने ढेरों फूल इसमें आए, बल्कि ये 2-3 दिन से मेरे यहाँ जो बारिश हो रही है रुक रुक के सारे फ्लावर्स मेरे ये झड़ गए हैं। तो इस तरह से आप ये ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हैंगिंग प्लांट्स उगाएँ, जैसे पिटूनिया होते हैं, या फिर पर्सलेन का आपको याद होगा मैंने भी वो टावर बनाया हुआ है। जैसे ये मैंने पर्सलिन ये फ्लावर्स का टावर बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। तो हैंगिंग वाले प्लांट्स का तो हम बनाते ही हैं। तो बालसम का देखिए आप, तो ये सब फ्लावर्स जो मेरे टावर में ये खिले हैं, ये टावर ये देखिए, ये मैंने सिखाया था आपको, ये पाइप सेंटर में लगानी और इसमें पूरे होल्स करने हैं। और ये वाला, ये मैंने 2-3 जो है उसमें सिखाया था आपको, पार्ट्स में सिखाया था। ये तारे वाला, तारों वाला ये बनाना भी सिखाया था एक पार्ट में। फिर आगे मिट्टी कैसे भरनी है, किस तरह से बनाना है। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ये मैंने पाइप सेंटर में लगाई थी, नीचे तक लगाई थी, तो इसमें चारों तरफ होल्स बने हुए हैं, और जब मैं पानी डालती थी तो सारा पानी नीचे चला जाता था और सब प्लांट्स को नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर का बॉल बना के इसके नीचे पाइप में लगा दिया और इसका थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। तो इससे जब मैं पानी डालती हूँ तो होल से ये सब प्लांट्स को मेरे पानी मिलता। तो ये देखिए फूल ही फूल कितने, बल्कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया था, मैंने कुछ एक प्लांट्स पहले लगाए थे इसमें, और इसमें मिट्टी कितनी कम है। अब ये देखिए 4 इंच का, तो ये मेरा ये जो पाइप वाला ये मैंने बनाया है ना, जितना ये 4 इंची का है करीब, उतना ही मेरे को ये लग रहा है। और बीच में पाइप भी है, इतनी बड़ी पाइप भी है, और साइड में जो बस मिट्टी भरी हुई है उसी में ये प्लांट्स ये सब चल रहे हैं। ये देखा, ये पूरे तो अनगिनत प्लांट्स लगे हुए हैं। ये ऐसे जैसे ये गड्ढा किया यहाँ पे, ये यहाँ पे कट किया नेट को और यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे किया, इस तरह से ये लगाए हुए हैं मैंने। ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे से ये 8 इंची पोट, ये 8 इंची पोट है। फिर कुछ पौधे इसमें लगा दिए मैंने, और फिर कुछ ऐसे नेट में लगाती गई, ये कुछ दूरी दूरी छोड़ के ऐसे। तो मैंने ये देखने के लिए कि ये चलते हैं कि नहीं, तो मैंने कुछ एक प्लांट्स पहले लगा दिए, और जब वो चलना शुरू हो गए तो फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में कुछ लगाए, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, हाँ अब ये अच्छे से चल रहे हैं तो इनको लगा दो। हालांकि दीवार के पास ये पड़ा था, 2 दिन बारिश से हुई है तेज, और कल भी खूब तेज़ बारिश थी, इतने फूल इस पे लगे थे। मैं चाह रही थी कि मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊं, बट मैं बना नहीं पाई। ये देखिए टावर, तो इसमें इस तरह के प्लांट्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखा, चाहे तो आप डाइनथस के ले लीजिए, सर्दियों में रंग बिरंगे हमारे पास होते हैं, और वो सब लगा के आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये इतना सारा फैल गया है पूरा, जो दीवार के पास जैसे हिस्सा हवा नहीं लगती तो वो फिर पत्तियाँ जैसे पीली पीली भी होने लगती हैं। ये देखिए पूरे ये टावर, ये नीचे से, ये देखिए नीचे से, ये देखिए कितना फैल गया, ये दिख रहा है आपको, ये आगे टावर है, ये नीचे गमला दिख रहा है 8 इंची का, और ये कितना सारा ये फैल गया है, पूरा पूरा का पूरा भर गया। तो इस तरह से लगा सकते हैं। और जब भी आप ये टावर बनाओ तो आपने क्या करना है, एक ही एज के प्लांट्स सब लेने हैं, ताकि एक जैसे सब फूल जब ढेरों खिलेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया और सुंदर लगेंगे। तो चूंकि मैंने फर्स्ट टाइम लगाए थे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने कुछ एक प्लांट्स पहले लगाए, तो मैंने सोचा वो चल पड़ेंगे तो फिर मैं बाद में लगाऊंगी। तो एक ही दिन में एक ही एज के प्लांट्स लगाने हैं, वो फिर एक साथ खिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अभी इन पर जो मैंने बाद में लगाए हैं, इनमें फ्लावर ये बर्ड्स आ रहे हैं और फूल ऐसे अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, तो वो खिले नहीं हैं। तो ये मेरा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि इस तरह के पौधे भी इसमें चलते हैं कि नहीं। ये देखिए ये ऐसे, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था 8 इंची पोट में। और जो टावर आप मेरा देखना चाहते हैं मैंने किस तरह से बनाया था, ये 2-3 पार्ट्स में,
तो आप ये लिखें फ्लावर टावर डॉट 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 मंजू हांडा, तो उसमें जो मेरा जो पुराना चैनल है मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, उसमें मेरे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ कुछ टाइम के बाद जैसे लगाती ही रहती हूँ, तो जैसे ये कुछ टाइम के बाद मैंने फ्लावर्स लगाए तो ये अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, तो फिर ख़त्म नहीं होते लंबे टाइम में गार्डन में ये बने रहते हैं, और कुछ ये बाद में लगाए ये खिल रहे हैं इस तरह से, तो लंबे टाइम तक आप फूलों का मज़ा ले सकते हैं। ये देखा, ये जो कुछ टाइम बाद में लगाए थे, और इसी तरह से ये मेरे ग्रो बैग में एक पौधा है, ये भी मैंने दिखाने के लिए आपको कि अगर ज़्यादा जगह में लगाते हैं तो कितना बड़ा ये घेरा, ये देखिए ये पूरा यहाँ तक इतना बड़ा ये एक ही प्लांट मेरा ये फैला हुआ है बालसम का। गुच्छों में फूल आ रहे हैं, गुच्छों में। तो अभी भी बारिश जैसा मौसम लग रहा है, पूरे काले बादल छाए हुए हैं, और ये ठीक भी पिक्चर नहीं आ रही है, क्योंकि जब लाइट होती है धूप निकलती है तो बड़ा सुंदर दिखता है, तो अभी ऐसे धुंधला जैसा दिख रहा है, आपको अच्छा भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये टावर ज़रूर बनाइए, ढेरों फूल आप एक ही उसमें पा सकते हैं, तो समझ गए आप। ये देखिए ये पूरा टावर में मैंने ऐसे लगाए हुए हैं, ये देखा ये ऐसे, और फिर ये लुढ़क ना जाए नीचे को। जब छोटे छोटे पौधे थे तो मैंने हल्के से ये रस्सी बांध दी थी, हालांकि अभी तो ये बांधने की ज़रूरत भी नहीं, अभी मैं इनको खोल भी सकती हूँ रस्सी को, तो ये इधर भी ऊपर भी बांध दी जो ऊपर मैंने लगाए ऐसे, एक लाइन में यहाँ लगा दिए, फिर एक लाइन बीच में छोड़ दी ताकि ये बढ़ेंगे, फिर अगली लाइन में लगाए, इसी तरह से ये पैटर्न पूरे टावर में मेरा चला। तो ये देखिए पूरे इतने खूबसूरती से आ रहे हैं, इतना कैमरे में नहीं दिख रहा जितने कि ये एक्चुअल में देखने में ये लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये जो मेरे पहले वाले बालसम थे, अब इनके फूल काफ़ी कम हो गए हैं, और ये देखिए, और बारिश से वैसे भी ये बड़े झुक से गए हैं, लुढ़क से गए हैं, तो इनमें जो फ्लावर बड्स बन रहे हैं वो अभी खिल रहे हैं इस तरह से। तो जब भी कोई भी सीड लगाएं तो आप सारे एक साथ मत लगाएं, और कई बार होता है कि चिड़ियाँ खा जाती हैं, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो उससे भी हमारी पौध ख़राब हो जाती है, तो थोड़े थोड़े सीड लगाएं वैसे भी। तो वो हैं पहले वाले जो पहले खिलते हैं, और जो बाद वाले हैं वो फिर बाद में खिलते रहते हैं। तो इस बार मैंने ढेर सारी पौध ये दिल खोल के तैयार की, तो इसलिए मैं ढेर सारे जो हैं पौध लगाना पसंद करती हूँ, और मेरा मन किया कि अब मैं टावर भी बनाऊँ इसका, और फिर हम एक्सपेरिमेंट खूब कर सकते हैं। अब नर्सरी से अगर हम प्लांट्स लाते हैं तो उन पे भी हम फिर खूब सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे ढेर सारे जो है इसके लगाए हुए हैं प्लांट्स बालसम के, तो इसका बरसात में जो अपना मज़ा है ये देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं इनको जैसे कम खुराक मिल रही है तो फिर भी ये खिल रहे हैं। ये देखिए ये पौधा ये कहाँ से ये और फिर ये जाके ये लगा है, यहाँ पे लगा है, तो देख रहे हैं। तो इसी तरह से खुराक जैसे कम मिलती है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं फैलते हैं, पर ज़्यादा इतने सारे ढेर सारे अनगिनत पौधे लगाए हैं, इनकी मैं गिनती भी नहीं कर सकती। ये देखिए चारों तरफ अनगिनत पौधे लगे हैं ये, तो पर फूलों का इनका अपना मज़ा है, ढेर सारे फूलों का, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ये मैं इसको उठा के वहाँ से लाई, उसमें भी ये काफ़ी सारे इसके फ्लावर्स जो है मेरे झड़ गए। तो ये देखिए ढेर सारे ये इस तरह से, तो आप मज़े से लगा सकते हैं। बस जब पौध लगाओ तो वो थोड़ी लुढ़कती है, तो फिर ये हल्की सी ये रस्सी तब बांध देना, तो जब ये चलना शुरू हो जाते हैं इनमें स्टिफनेस आ जाते हैं, फिर आप खोल सकते हो। तो ये है मेरा मज़ेदार जो बढ़िया फ्लावर टावर, ये देख लिया आपने 8 इंची पोट में, ये देखिए कितना फैल गया है, बाप रे ऐसे। तो मेरे यहाँ ये सब छत पे गिल्ला दिख रहा होगा, तो ये रात को किसी टाइम बारिश हुई होगी, अभी मैंने ये वाइपर मारा है, अभी सूखा भी नहीं है, अभी भी बादल हो रहे हैं कि किस टाइम बारिश आ सकती है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपने ले लिया होगा। अब आप एक जैसे जब भी कोई भी प्लांट्स लगाएं इस तरह के, तो एक जैसे एक एज के और एक ही दिन में लगाएं, ताकि जब वो खिलें तो ढेरों, ये नहीं कि कुछ जो बाद में छोटी एज के होंगे तो वो बाद में खिलना स्टार्ट होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा तो क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया कमाल का रहा, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जो ग्रो करूँगी फिर मैं वो उसको एक ही एज के लगाऊँगी और एक ही दिन में लगाऊँगी, ताकि पूरे भरे हुए सारे इकट्ठे आए। नमस्ते जी, शुक्रिया।